दीदी मैंने बोला ना मैं टीका नहीं लगवाऊंगी। हाँ लेकिन क्यों, क्या बात है बताओ मुझे। मैंने सुना है टीका लेने से मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये बिल्कुल अफवाह है गीता। अच्छा ये बताओ, ये सब कहते हुए तुमने किसी डॉक्टर से सुना है? लेकिन मेरे मोबाइल पे तो ये खबर आई थी। यही तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सोचो अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर अपने परिवार के लोगों को क्या टीका देते? लेकिन मुझे तो डर लगता है, मेरे पति भी बोल रहे थे कि वो भी टीका नहीं लेंगे, क्योंकि सुना है टीका लगाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं। गीता तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसे कैसे ऐसे बात कर सकती हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर होता तो डॉक्टर वैज्ञानिक देते ही नहीं। ये सब कोरी अफवाह है और कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है सबसे पहले डॉक्टर ये हम लोगों ने ही इसे लिया था। क्या हमें अपने परिवार की चिंता नहीं है? ठीक है दीदी, आप कहती हो तो मैं ले लूंगी, लेकिन अभी नहीं, 3 से 4 दिन के बाद। देखो जितनी जल्दी हो ले लो, क्योंकि कोरोना बचाव के लिए एक ही मात्र तरीका है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ही क्यों? क्योंकि मेरा इस वक्त पीरियड चल रहा है, मैंने सुना है इस वक्त नहीं लेना चाहिए। तुम लोग भी ना केवल अफवाह पर ध्यान देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों आज ही जाकर केबिन पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, जितनी जल्दी डेट मिले जाकर ले लेना। दीदी मेरे पति तो सिगरेट और शराब पीते हैं, हो जाएगा ना? देखो शराब और सिगरेट तो स्वास्थ्य के लिए वैसे भी खराब है, इससे उन्हें बोलो कि जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। और फिर उनके लिए तो ये टीका ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शराब पीने से और धूम्रपान करने से शरीर में जो बीमारियां होती है उनसे लड़ने की क्षमता कम रहती है और कोरोना होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है दीदी, आपसे बात करके मैं समझ गई। अभी जब आते हैं तो मैं बोलूंगी कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके हम लोग भी टीका ले लें। हाँ बिल्कुल, और अपना फोटो जरूर व्हाट्सएप करना।